फैंटास्टिक डांसर, कॉलेज में तू स्टैंड अप करता था और हम लोग देखते थे। आर यू रेडी? आई एम रेडी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेर एवर यू वॉचिंग टूडे हिज द शो इज बिस्वा वर्सेस बिस्वा। एंड बिस्वापति सरकार नमस्ते। हाय कल्याण, काफी टाइम बाद आई नो हम लोग यहाँ पे आए हैं। अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो दिस बट बिस्व कल्याण एंड मी आर बैचमेट्स फ्रॉम कॉलेज, फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। इनफैक्ट नॉट ओनली बैचमेट्स, सेम बैच तो था ही, सेम हॉस्टल भी था। सरकार, डू यू एवर लाइक अनोइंगली यूज अ कॉन्सेप्ट दैट यू लर्नड इन 11th और 12th फ्रॉम समथिंग यू स्टडीड? यू नेवर नो जो आप आज पढ़ रहे हो वो बाद में लाइफ में कब कहाँ यूज हो। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें मुझे अभी लगती है कि यार और थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया होता तो वो, और मतलब और अच्छे से आज डिसिप्लिन की वैल्यू समझ में आती है मुझे। इनफैक्ट आज जब हम ये क्वेश्चंस आंसर्स करने जा रहे हैं मुझे वो याद आ रहा है कि 2006 में क्या, 2006-2007 में जो फीलिंग आ रही थी एग्जाम से जस्ट पहले, इतने टाइम बाद वैसा प्रेशर मुझे फील हो रहा है। और मतलब अपने टाइम पे तो कोई तरीका भी नहीं था जज करने का, इन द सेंस कि वेयर डू यू स्टैंड amongst peers, आप कैसा अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो। तब तो ये अनअकैडमी जैसा कुछ भी नहीं था ना। अभी तो वो मुझे पता चला कि प्रोडिजी करके एक एग्जाम हो रहा है जहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलेगा लोगों को। मतलब यू कैन नॉट ओनली फाइंड आउट कि वेयर डू यू स्टैंड अमंगस्ट द अदर स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो गेट स्कॉलरशिप। तो मतलब विश देम ऑल द बेस्ट कि होपफुली काफी लोग लें इस एग्जाम को और अच्छा करें दोनों जगह। थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछना, एक कम से कम आंसर करने देना, कम से कम एक इतना कर ले बस। मैं जितना आंसर करूंगा तू उतना कर लेगा तो दोनों का इज्जत बच जाएगा। या तो जीरो जीरो, या तो तू भी मत कर। चलो सही है, तो स्टार्ट करें फिर। यस, आर यू रेडी? आई एम रेडी। ओके ओके, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में तीन ही ऑप्शंस होते हैं, या तो 360 डिग्री जो कि यहाँ पे नहीं है, या तो 180 डिग्री है या 90 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ 90 डिग्री। यस, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, बट व्हाई इज आइस स्लिपरी? व्हाई इज आइस स्लिपरी? बिकॉज़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लो। आई मीन आई कांट, ओके आई डोंट नो व्हाट, कौन से सब्जेक्ट का सवाल है? आइस इज स्लिपरी। ओके, तो आइस इज स्लिपरी का तेरा जवाब गलत है। वो बेसिकली आइस और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, तो प्रेशर से आइस मेल्ट हो सकता है, वो हीट से मेल्ट हो जाता है, तो आई थिंक वी कांट गिव इट टू यू, सो सॉरी। ओके चलो अपने चलते अगले सवाल पे कि व्हाट इज द शेप ऑफ अ रेनबो? ये पता है मुझे, सर्कल। Very good. Now you are Mahinga Derrico brand. Okay, so तेरे लिए next question है, which year is considered the miraculous year of physics? Man. मुझे ऐसा लगता है कि मैं hint देने की कोशिश कर रहा हूँ। This is the year where relativity was discovered. 1916. Wrong answer. I'm sorry. It is 1905. Cool, so, cool. Thank you. Okay, मेरा सवाल है, if two forces of magnitude 10 newton act at 120 degrees. Okay. Then what will be the magnitude of resultant force? अरे बाप रे, रुक मैं थोड़ा सा, काफी टाइम हो गया है। ये होगा ना 10 × 10 sin 120, sin 120 कितना होता है? Sin 120 is 90 plus 30, 1/2, 10 × 10 = 150 newton. Sorry bro, wrong answer. अच्छा, एक सेकंड के लिए मेरे को लगा कि सही कैलकुलेट किया मैंने। नहीं 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 नहीं, गलत किया है एक्चुअली। वैसा ना करके जस्ट टेक वन मोर टाइम, ऐसा करना उसको एक्स वाई एक्सिस पे देख ले, काट ले और फिर जोड़ ले। ओ हाँ, 20 डिग्री है, 10 10 10। यस, 10 करेक्ट, करेक्ट आंसर। या नाइस। ओके, तो तेरे लिए एक सवाल है, तो ये नहीं देगा तो मैं आके मारूंगा, ऐसा ही यूनिट ऑफ प्रेशर? यो मैन, पास्कल। करेक्ट आंसर, ये ना पास्कल। व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ मून एज कंपेयर टू अर्थ? ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट अर्थ के मतलब 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी, तो 9.8/6 You just get it. और करने की जरूरत नहीं, 1/6 सबको मल्टीप्लाई करना आता है, हो गया, so you get the point. Hey, biotech, what is most commonly known as the powerhouse of a cell?
ये अगर तू भारत का कोई बच्चा को उठा लेगा तो सपने में बता देगा, नींद में बता देगा आदमी माइटोकॉन्ड्रिया. I'm sure that is the correct answer. Okay, Vishwapati, so which law of thermodynamics was discovered last? Fourth? No, it's actually the zeroth law of thermodynamics, yeah? Oh, haan, right. Got it. Nuclear sizes are expressed in a unit named? No idea, man. Bhool gaya. ओके तो द आंसर इज फर्मी. विश्वपति हमारे इस छोटे से क्विज में कौन जीता है? मैं जीत गया बट मार्जिन विक्ट्री है, ऐसा कुछ नहीं है. तूने भी बहुत ज्यादा सही किया, मैं उस चीज से हैप्पी हूँ कि हमने इज्जत रख ली, हम ह्यूमिलिएट नहीं हुए, हमने दोनों ने काफी सवालों के जवाब दिए. अनअकैडमी प्रोडिजी इज टेस्ट क्यूरेटेड बाय द बेस्ट फॉर द बेस्ट. प्रोडिजी के बारे में ये भी सुना कि दिस इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल एग्जामिनेशन दैट यू विल बी गिविंग. So, haan, it's a great practice before the real exam. And if you perform well in this exam, there is a chance to win scholarship up to 5 crores. हमने तो IIT crack कर लिया है, अब आप भी कर लो Prodigy के साथ. हमें 13-14 साल हो गए निकले हुए और आपकी बारी है. All the best, guys. All the best for your IIT exams and all the other exams. Do well. An Academy. Let's crack it.